दोस्तों आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। शिकारी और शिकार की लड़ाई को जंगल में देखा जाना एक आम बात है। कब कौन सा जानवर दूसरे को मात दे दे पता ही नहीं लगता। आप कहेंगे कि इसमें विचार करने की कोई बात ही नहीं है। जो शिकारी प्रजाति का जानवर होगा वो आसानी से दूसरे जानवरों का शिकार कर लेगा, लेकिन कई बार शिकारी भी शिकार बन जाता है, कुछ कह नहीं सकते। कई बार शिकारी जानवर भी ऐसे जीवों से डरते हैं जो बेहद विशाल और ज्यादा ताकतवर होते हैं। आज के वीडियो में हम शेर और हिप्पो का मुकाबला देखने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूले। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। क्या हिप्पो से शेर आसानी से जीत पाएगा या फिर हिप्पो शेर को उसकी नानी याद दिलाएगा? इसको समझने के लिए पहले हमें इन दोनों जीवों की शारीरिक क्षमताओं को जानना होगा। जहां हिप्पो की स्पीड 19 मील प्रति घंटे होती है, वही शेर की स्पीड 45 से 50 मील प्रति घंटा होती है। जहां हिप्पो का आहार शाकाहारी होता है, वही शेर मांसभक्षी होता है। जहां हिप्पो अर्धजलीय स्तनधारी हैं, वे नदियां और झीलें, जरूरी नहीं कि बहुत गहरी हो, धीमी गति से चलने वाले पानी के पूल और अच्छी गुणवत्ता वाले चराई वाले किनारों के पास पाए जाते हैं। वही शेर पूर्वी अफ्रीका के समृद्ध घास के मैदान से लेकर कालाहारी रेगिस्तान, दक्षिण सहारा से दक्षिण अफ्रीका तक, कांगो वर्षा वन और भारत के गिर वन और शेर खुले जंगलों, घनी झाड़ियों और ऊंचे घास वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं। जहाँ हिप्पो की उम्र 40 से 50 साल होती है, वही शेर की उम्र औसत नर के लिए जंगल में 12 साल और मादा के लिए जंगल में 15 से 16 साल होती है। जहां हिप्पो की प्रहार की क्षमता अधिकतम वजन मल्टीप्लाई स्पीड 4000 मल्टीप्लाई 19 = 76000 PSI होती है, वही शेर की प्रहार की क्षमता 550 मल्टीप्लाई 50 = 27500 होती है। जहां हिप्पोपोटेमस नाम दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटेमस या हिप्पो वैज्ञानिक नाम हिप्पोपोटेमस एम्फिबियस आकार लंबाई लगभग 14 फीट और ऊंचाई लगभग 5 फीट वजन लगभग 1.5 से 4 टन दांत की लंबाई अधिकतम 20 इंच बाइट फोर्स लगभग 1820 PSI वही शेर नाम इसे संस्कृत भाषा में सिंह भी कहा जाता है वैज्ञानिक नाम पैंथरालियो आकार सिर और शरीर की लंबाई नर में 170 से 250 सेंटीमीटर 5 फीट 7 इंच से 8 फीट 2 इंच वजन लगभग 150 से 250 किलोग्राम दांत की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर बाइट फोर्स लगभग 650 PSI वैसे तो शेर और हिप्पो की क्षमताओं को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि हिप्पो शेर पर भारी पड़ेगा, लेकिन जब अकेला शेर किसी जीव के सामने आ जाए तो उस जीव की मौत निश्चित है। वहीं जब शेर का पूरा परिवार ही चला आए तो फिर उस जानवर की शामत ही समझिए। मगर जब एक दरियाई घोड़े के सामने शेर का परिवार आया तो बाजी पलट जाती है। जब एक हिप्पो का सामना कई शेरों से होता है तो शेर उसे घेर लेते हैं और अपने नुकीले दांतों से उसके ऊपर हमला करने का प्लान बनाते हैं, मगर वो प्लान नाकाम हो जाता है। हिप्पो उन्हें भारी भरकम कद और विशाल मुंह से इस तरह डराता है कि वो उसके नजदीक आने के बारे में भी नहीं सोचते और वहां से भाग जाते हैं। अतः यहां हिप्पो ही विजेता है। हमारे आगामी वीडियोस में हम इसी तरह हिप्पो की अन्य जानवरों से मुकाबले देखेंगे। इस वीडियो के अगले पार्ट को देखना न भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा। दोस्तों क्या आपने हिप्पो या राइनो को भारत में देखा है? यदि देखा है तो कहां, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। Thanks for watching our videos. हमने सही तथ्य और जानकारी प्रदान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सभी जानकारी ऑनलाइन स्रोतों से एकत्र की जाती है, इसलिए कृपया हमें क्षमा करें यदि आपको वीडियो में कोई गलत जानकारी मिली है और हमें टिप्पणी बॉक्स में उस जानकारी के बारे में टिप्पणी करें जो आपको उपयुक्त नहीं लगी। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Disclaimer: Video is for educational purpose only. Copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Thanks for watching.
देखिए ऐसा है कि शासन और प्रशासन की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। ये वीडियो सत्य और असत्य दोनों घटनाओं पे आधारित है। इस वीडियो के कुछ पार्ट काल्पनिक है और कुछ वास्तविक है। इसे अपने खोपड़िया का यूज करके समझ लें। इसमें यूज किए गए चटपटी वर्ड्स को फंड में वीडियो को पूरा देख के लाइक और शेयर करके जाए, वरना पाप लग सकता है। और कमेंट बॉक्स में गुंडा न करें, मजाक को मजाक की तरह लें और इंजॉय करें।